बिहार की राजनीति में सालों बाद बीजेपी ने एक सुलझा हुआ और भविष्य की सोच के साथ वाला फैसला लिया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के जरिए बीजेपी ने बिहार के महत्वपूर्ण समीकरण साधे हैं। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य के लिए इस तरह का फैसला बीजेपी के लिए जरूरी था। बीजेपी ने संगठन और सदन के तालमेल को सरकार में जगह दी है। साथ ही आपको बता दें कि नीतीश के अलग होने के बाद विजय सिन्हा को विपक्ष का नेता बनाया गया। विजय सिन्हा भूमिहार जाति के हैं और मंत्री स्पीकर भी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि 2020 में जब सरकार बनी थी तब भूमिहार जाति के नेताओं और वोटरों में नाराजगी हुई थी क्योंकि भूमिहारों को उनके मन के हिसाब से सम्मान नहीं मिला था। बाद में इसका खामियाजा पार्टी को बोचहां उपचुनाव में भुगतना पड़ा था। इसके बाद पार्टी ने सबक लेते हुए विजय सिन्हा को नेता विपक्ष बनाया और इसका फायदा कुर्नी के उपचुनाव में हुआ। अब पुरानी गलती से सबक लेते हुए विजय सिन्हा को सरकार में उच्च सम्मान दिया जा रहा है। विजय सिन्हा नीतीश कुमार के साथ कंफर्टेबल हैं। इसी तरह नीतीश और महागठबंधन से टकराने के लिए नीतीश के साथ रह चुके बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सम्राट को बीजेपी भविष्य के लिए ग्रूम कर रहे हैं। संगठन के नेता को सरकार में बड़ी जगह देकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को कुंठित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अब नीतीश के साथ जाने के फैसले पर सवाल नहीं उठेंगे। सम्राट पहले भी नीतीश के टीम का हिस्सा रहे हैं। सम्राट के जरिए नीतीश के बाद की राजनीति को बीजेपी अपने साथ ले जाने में सफल हो सकती है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सम्राट चौधरी राजद जेडीयू हम के रास्ते बीजेपी में आए हैं। नई टीम में पुरानी टीम को सक्रिय किया गया है। नए मंत्री बन रहे प्रेम कुमार बीजेपी के सबसे सीनियर विधायकों में से एक हैं। गया के विधायक हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए कि 2015 में नेता विपक्ष रहे हैं, नीतीश के साथ कंफर्टेबल हैं। बीजेपी ने इन तीनों को आगे कर नीतीश के साथ बेहतर तालमेल का खाका तैयार किया है। सूत्र बताते हैं कि नेगोशिएशन के दौरान नीतीश कुमार सुशील मोदी को डिप्टी सीएम चाहते थे, तब बीजेपी ने रेणु देवी का नाम आगे किया था। नीतीश ने बीजेपी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की नसीहत दी थी। साथ ही ये भी जान लीजिए कि तब चर्चा में नित्यानंद राय का नाम आया, लेकिन खुद बीजेपी के रणनीतिकारों ने तेजस्वी यादव के मुकाबले यादव समाज में इनका नाम मजबूत नहीं माना। तब पिछली जाति से सबसे मजबूत नाम सम्राट चौधरी का पेश किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि सम्राट के नाम पर नीतीश भी राजी हो गए थे। विजय सिन्हा के नाम पर किसी को भी एतराज नहीं हुआ था। अब बीजेपी नत किशोर यादव को स्पीकर बना सकती है। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि इस नई सरकार की डील के दौरान एक बात सामने आ रही है कि बीजेपी की पुरानी सरकार में नीतीश के साथ क्या दिक्कत हुई थी। इसकी एक रिपोर्ट उस वक्त बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने दी थी, जिसमें तब के प्रभारी का दबाव बड़ी वजह बताई गई थी। ये बात सामने आई थी कि नीतीश पर हर वक्त एक तरह का दबाव होता है। उस वक्त सरकार में शामिल सीनियर लोग भी नीतीश से काफी जूनियर थे, जिनके साथ नीतीश सामान्य नहीं रह पाते थे। अपनी बात शिकायत उनको बीजेपी नेतृत्व तक पहुंचाने में परेशान होती थी। तब विजय सिन्हा स्पीकर थे और नीतीश और बीजेपी नेतृत्व के बीच एक अहम कड़ी थे। नई सरकार में नीतीश कुमार का पावर बैलेंस सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी करेगी। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सम्राट पहले से नीतीश विरोधी चेहरा माने जाते हैं। 1999 में राबड़ी सरकार में मंत्री बने सम्राट चौधरी को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद एक बार राजद से जीते फिर उम्र विवाद में चुनाव नहीं लड़ पाए। 2010 में राजद से दूसरी बार जीते तो पार्टी तोड़कर जेडीयू में चले गए थे। उस वक्त बीजेपी से नीतीश पहली बार अलग हुए थे। राजद के 14 विधायक बागी हो गए थे, जिनमें कुछ वापस चले गए थे। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सम्राट इन बागियों को लीड कर रहे थे, इन पर फर्जी लेटर लिखकर पार्टी तोड़ने के आरोप लगा रहे थे। 2014 में जब मांझी सीएम बने तो उनको भी मंत्री बनाया गया था। बाद में नीतीश का साथ छोड़ मांझी के साथ हो गए थे। और आपको बता दें कि 2018 में हमसे बीजेपी में आ गए थे प्रदेश उपाध्यक्ष, और 2020 में
पंचायती राज्य मंत्री बन चुके थे। 2023 में बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया था और 2024 में अब डिप्टी सीएम थे। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सम्राट के पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस में थे, 1994 में समता पार्टी में शामिल हुए, 1999 में लालू के साथ हो गए और साथ ही 2014 में भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए कहा था कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, अब राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। सम्राट विवादित छवि के पुराने नेता रहे हैं, अब बिहार में बीजेपी ने सबसे बड़ा नेता बनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में करीब 5% कुशवाहा वोटर हैं। और आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।